प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में एक बार फिर से इतिहास रचने जा रहे हैं और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन इस बार दो और दलों की बैसाखी के साथ। आखिर ये सब क्यों और कैसे हुआ है? इसमें सीधा सीधा जो इस बार जो लड़ाई हुई थी इंडी गठबंधन और जो 28 दलों की सरकार, जो 28 दलों का गठबंधन था और इसके साथ ही बीजेपी यानी एनडीए और इंडी के बीच लड़ाई हुई थी, और इसमें साफ देखा गया है कि इस बार के जो परिणाम है उसमें मुस्लिमों ने, जो मुस्लिम समाज है, उन्होंने स्पष्ट तौर पे इंडिया गठबंधन पे विश्वास किया और बीजेपी को पूरी तरह नकारा है। नकारने के पीछे का कारण और जो आपने पिछले 5 सालों में देखा होगा, कुछ विरोध भी हुए थे, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड हुआ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हुआ, और अग्निवीर योजना हुई, और मुस्लिम आरक्षण हुआ, ऐसे बहुत सारे तमाम मुद्दे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन हुआ, देश का एक हिस्सा ये चाहता है, 135 करोड़ में 35 करोड़ की आबादी, 40 करोड़ 50 करोड़ की आबादी ये चाहती है कि इन मुद्दों पे काम ना हो। ये वो कोर मुद्दे हैं जिस पे बीजेपी लीड करना चाहती थी और उन्होंने किया, और इस पे ये मुद्दे हैं जिस पे इंडी गठबंधन बना और वो लीड कर रहे थे, उन्होंने काफ़ी बड़ी संख्या में बीजेपी को पीछे किया है, जिसकी वजह से दो दलों की सरकार बन रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में उनकी जो जनता दल यूनाइटेड है, टीडीपी है, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, इन सब मुद्दों पर किस तरीके से साथ देते हैं। अब देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो देश का एक हिस्सा ये चाहता है कि पूरे देश में, भारत जो है विश्व का सबसे लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ पे लोगों की इच्छा है कि यहाँ पे ना मुस्लिम का कोई पर्सनल लॉ बोर्ड हो, ना शरिया कानून इम्प्लीमेंट हो, और ना ही दूसरे कोई एक्ट जो है यहाँ पे हिंदुओं का जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं उसके आधार पर लोग एक तरीके की मांग कर रहे थे, जिसके आधार पर बीजेपी को लोगों ने वोट दिया और उसके विरोध में लोगों ने वोट दिया इंडी गठबंधन को। ये सर्वे रिपोर्ट है। तो अब देखना होगा कि चंद्रबाबू नायडू और इसके साथ ही जनता दल यूनाइटेड और दोनों किस तरीके से मोदी सरकार के इन जो इनके कोर एजेंडे हैं इनमें समर्थन करते हैं, नहीं करते हैं। और अभी से उस पर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। कुछ कुछ मुद्दे हैं जो जनता दल यूनाइटेड समर्थन नहीं करना चाह रही है। चंद्रबाबू नायडू का भी कुछ मुस्लिम वोट बैंक है, वो भी इनको सपोर्ट नहीं करना चाहते, उनको भी अपने वोट बैंक खिसकने का डर है। इतने सब होने के बाद भी आप देखिए कि मोदी सरकार जो है उन्होंने एक जो शुरुआती में उनका जो एजेंडा था उसको लागू किया था, मैनिफेस्टो, और उन्होंने कहा था कि जैसे उनकी सरकार बनेगी अगले 100 दिनों में ये सब कार्य दिखने शुरू हो जाएंगे। और देश का जो हिंदू वर्ग है उनका कहना था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड तुरंत लागू होना चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड, CAA, NRC का जो मुद्दा था, इसके साथ ये जो कुछ और मुद्दे थे, अग्निवीर योजना का मुद्दा था और वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा था, इन सब मुद्दों पर लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े थे और उसी तरीके से लोगों ने वोट किया है। तो अब देखना होगा कि मोदी सरकार के जो सहयोगी घटक दल हैं दोनों, वो कहां तक सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले बता दें आपको कि ये जो मुद्दा था वन नेशन वन इलेक्शन, इन्होंने जो बीजेपी ने पहले ये मैनिफेस्टो में लिया है और उन्होंने एजेंडे में अपने वोटर्स को प्रॉमिस किया है, वो ये कि अगले 100 दिनों में जैसे ही सरकार बनेगी ये सब पे काम करना दिख जाएगा। अब देखना होगा कि दोनों जो सहयोगी दल हैं वो इन मुद्दों पर सपोर्ट करते हैं या नहीं। पहले देखते हैं मुद्दे क्या है। वन नेशन वन इलेक्शन, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मुस्लिम आरक्षण खत्म करने की बात जो अब चल रही है, अभी भी चल रही है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में बदलाव, और दिल्ली मास्टर प्लान, वक्फ बोर्ड खत्म करना, महिला आरक्षण, 70 साल के बुजुर्गों के लिए मुफ्त इलाज, पेपर लीक कंट्रोल करना, उसके लिए राष्ट्रीय कानून बनाना, CAA का कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन करना, इसके साथ ही यूनियन बजट, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जनगणना 2026 में जो परिसीमन होना है उसके बारे में, लखपति दीदी की संख्या 3 करोड़ तक ले जाना, ये जो मुद्दे हैं बीजेपी के, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, किसानों के लिए ऑयल सीड्स और पल्सेस पर ध्यान देने वाली बात कही है, भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रॉमिस किया है उन्होंने, रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म उनको ध्यान दे रहा है मोदी सरकार को, स्केल स्कोप स्पीड और स्किल के एजेंडे पर काम करना है। तो ये जो है ये कुछ मोदी सरकार की जो गारंटीज हैं उसके अंतर्गत उन्होंने मैनिफेस्टो में लाया था। अब देखना होगा कि जैसे अब बात करें हम लोग कि इसमें पहला जो मुद्दा है वन नेशन वन इलेक्शन, तो देश में 47 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिसमें लगभग 30 से 32 पार्टियां जो है इस पे चुप्पी साधे हैं, यानी मौन समर्थन उनका कहा जा सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन मतलब एक देश में एक दिन चुनाव होगा, एक टाइम चुनाव होगा, और वो चुनाव पूरे देश के जो भविष्य है वो तय करेगा। ये एक तरीके से देखा जाए तो सबके लिए बेनिफिशियल भी रहेगा, क्योंकि एक टाइम में इलेक्शन हो जाएगा और एक ही दिन में सारी मशीनरी लग जाएंगी और इलेक्शन करके खत्म होगी, पूरे देश में एक साथ इलेक्शन हो जाएगा और पूरे देश की सरकारें तय हो जाएंगी, तो इससे देश का खर्चा भी बचेगा, मैन पावर और डिस्टर्बेंस भी बचता है। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें, UCC की,
तो सारे जो कोड कंडक्ट कोड है वो सारे जो है सब में बदलाव करके एक यूनिफॉर्म हो जाएगा, मतलब पूरे राष्ट्र के लिए एक जैसा कानून हो जाएगा। उसमें किसी भी धर्म को कोई वरीयता नहीं, किसी भी जाति को वरीयता नहीं है, पूरे या किसी भी कम्युनल जो चीजें हैं, कम्युनल चीजें जो है वो बंद हो जाए। और ये देखा जाए तो ये बहुत सही भी है, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो एक देश में संवैधानिक जिस तरीके से चीजें लागू हुई हैं उसमें कहीं ना कहीं अलग अलग, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, अब इसका निर्माण करने के पीछे जो भी उस समय का उद्देश्य रहा, लेकिन आज कहीं ना कहीं इस पे जो लोगों के सेंटिमेंट है वो भिन्न है, क्योंकि 13 साल की शादी संवैधानिक अधिकार भारत में 18 साल की शादी को मान्यता दी गई है। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे चीजें और लोग उस पर आवाज उठा रहे हैं, तो ये एक मुद्दा था। इसके अलावा मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने वाली बात हुई है, जिसमें बीजेपी ने अपने जो वोटर्स हैं उनको, उनके जो कोर वोटर्स हैं वो यही चाहते हैं कि मुस्लिम आरक्षण भी खत्म किया जाए। तो ये जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया था नरसिम्हा राव सरकार ने 1991 में, कांग्रेस ने, जिन्होंने ये तय किया था कि जो भी देश में मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, जो भी है, जिन परिस्थितियों में है उसी परिस्थितियों में रहने वाले हैं, उस पर कोई बदलाव, कोई संशोधन, कोई तोड़फोड़ या फिर कोई और चेंजेस नहीं हो पाएंगे। और इसमें जो है काशी मथुरा अगर देखा जाए या फिर बनारस देखा जाए या फिर अयोध्या देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनमें बदलाव हुए हैं, जो माननीय कोर्ट के माध्यम से ही हुए हैं, एविडेंसेस के माध्यम से हुए हैं। तो ऐसी चीजों पर बीजेपी जो है काम करना चाह रही है, काशी और मथुरा का प्रॉमिस कर चुकी है और उनको भी आगे लेके जाना है। दूसरा तो ये दिल्ली मास्टर प्लान जो है, पूरी दिल्ली उनको समर्थन कर रही है, अब उनको मास्टर प्लान को आगे इम्प्लीमेंट करना है। वक्फ बोर्ड खत्म करना ये सबसे बड़ा मुद्दा है, वक्फ बोर्ड खत्म करने की बात है। कांग्रेस जो जब तक कार्यकाल रहा कांग्रेस का, तो वक्फ बोर्ड ने बहुत सारी संपत्तियां देश की, मतलब देश की तीसरी सबसे बड़ी जमीन वाली संस्था, संगठन या संस्था कह लीजिए, इन्होंने जहां पे अपना झंडा गाड़ दिया वहां पे उस व्यक्ति को साबित करना होगा कि उसकी जमीन है, इनको साबित करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है विरोधाभास है, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है संवैधानिक आपको या पैतृक आपको संपत्ति है और उसमें जाके अगर वक्फ बोर्ड झंडा गाड़ देता है कि हमारी प्रॉपर्टी है, तो जो उसका ओनर होने का दावा कर रहा है उसको ये साबित करने पड़ेंगे कि ये उसकी जमीन है। वक्फ बोर्ड को ये साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि उसकी जमीन है, क्योंकि उसने झंडा गाड़ दिया, उसको कानून का लाभ है। तो ये सबसे बड़े दुखद पहलू है, इसको भी खत्म करने की बात लोग जो है जोर शोर से उठा रहे हैं। देश का रेलवे के बाद और सेना के बाद तीसरी ऐसी संस्था है जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन इन्होंने एक्वायर की है देश की। तो किस आधार पे की है, इनको जमीनें किस आधार पे दी जा रही हैं, ये भी बड़ा विषय है। और ये कैसे क्लेम करते हैं, किसी भी गांव के गांव इन्होंने हड़प कर लिया है, तो ये एक बड़ा सेंटिमेंटल विषय है हिंदुओं के लिए जिन्होंने वोट किया था। दूसरा, महिला आरक्षण की बात करें तो अब महिला आरक्षण जो है देश में, महिला आरक्षण यानी इनको कोटे में आरक्षण दिया जाएगा 33% का, जो कि उनको भी, मतलब भागीदारी की बात करें तो वो भी चुनाव लड़ने के लिए संसद में उनको भी 33% की भागीदारी दी जानी चाहिए, ऐसा कहना है, तो उस पर काम करना है। 70 साल के बुजुर्गों के लिए ये सब तो हो गया, पेपर लीक वाला जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है युवाओं के लिए। युवा बेचारे पूरे साल तैयारी करते हैं और आयन वक्त पे पेपर लीक हो जाता है, ऐसे में उनकी जो है पूरी जो उनकी एनर्जी वो डाउन होती है, बहुत सारे लोग मतलब हतोत्साहित हो जाते हैं और जीवन से निराश हो जाते हैं। सीए का कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन, सीए लागू तो कर दिया, कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन में लाना है, मतलब इन्फोर्स उसको लाना है। इसके अलावा एजुकेशन पॉलिसी में भी सुधार होना है, जनगणना वगैरह जो भी है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़े जो पांच मुद्दे हैं वो सबसे बड़े मुद्दे यही है, वन नेशन वन इलेक्शन, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अग्निवीर योजना और मुस्लिम आरक्षण खत्म करना, प्लेसेस वर्सी के मतलब वक्फ बोर्ड खत्म करना और सीए कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन, ये सात मुद्दे हैं। अगर आप देखेंगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, अग्निवीर जो योजना आई थी तो कांग्रेस ने उस पर हमला बोला था और बुरी तरह इस पर पलटवार किया था और ये बताने की कोशिश की थी देश को कि देश के युवा जो है वो अगर जाते हैं तो इनको कहीं ना कहीं उनकी जान जाती है, उनके लिए कोई योजना नहीं, जबकि भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार ने जब लागू किया था उनका कहना था कि हमारे देश के युवा, जब बेरोजगार युवा जो है शुरुआत करें जीवन की और जो रिटायर होंगे तो 10-12 लाख रुपए उनके अकाउंट में होंगे और कुछ भी नया बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये चीज नहीं शामिल थी कि अगर किसी की मौत होती है, कुछ होता है तो उसके लिए मुआवजा क्या है या फिर उसके लिए नौकरियां क्या है, उनके परिवारों के लिए नौकरियों का क्या प्राविधान है, वो सब जो चीजें हैं उस पर देश का खासकर युवा वर्ग भी कंफ्यूज है और कहीं ना कहीं असहमत दिख रहा है। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप पोर्ट हमने बात किया, वक्फ बोर्ड हमने बात किया, सीए का जो है वो कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन करना है, ये सब है, ये सब जो सवाल है आज देश के हृदय में है। और अब इसमें देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस पे किस तरीके से लोगों को संतुष्ट कर पाती है और किस तरीके से
इस अपने एजेंडे को लागू करा पाती है, क्योंकि ये जो दो दल हैं, इन दलों का कई मुद्दों पे समर्थन नहीं है, वो रिव्यू चाहते हैं, चेंजेस चाहते हैं, ऐसा माना जा रहा है। अभी फिलहाल मोदी सरकार तीसरी बार अपना टर्म शुरू करने वाली है और इस दौरान ये जो सहयोगी घटक दल है इनका सहयोग है, लेकिन कई एजेंडों पर इनके जो मत है वो भिन्न है। अभी भी मंत्रालय में अभी बदलाव होना है, मंत्रालय इनको मिलने हैं, कहा जा रहा है कि माना जा रहा है या सूचनाएं आ रही हैं कि इनकी जो मांगे हैं वो ज्यादा मंत्रालय की है। भारतीय जनता पार्टी के घटक दल हैं, जैसे अभी महाराष्ट्र भी उसमें शामिल है, शिंदे गुट, उनको भी 2 सीट की दरकार है और इनको इन दोनों को 15 सीट की 15 मंत्रालयों की दरकार है। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं अभी स्थितियां साफ नहीं हो पाई हैं कि मोदी सरकार अपने जिन कोर एजेंडों पे जो हिंदुत्व के वोटर्स उनके हैं उनको वो साध पाने में सफल होते हैं या नहीं, ये वक्त पर देखने वाली बात होगी।